हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूअर एजुकेशन। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी एमबीए एस्पिरेंट्स, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट बी स्कूल जिम गोवा के बारे में, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन गोवा। काफ़ी फेमस कॉलेज है, काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है और काफ़ी अच्छे लोकेशन पर भी ये लोकेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या तुम्हें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे इनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन के लिए, और कैसा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या फ़ी स्ट्रक्चर होगी, क्या सीट्स होगी, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद मी टिल दी एंड। अगर तुम्हें जिम गोवा में एडमिशन लेना है और तुम डेस्परेटली इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टे ट्यून विद मी टिल दी एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जिन्हें पता चल जाए कि इनके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, सो दैट वो जाकर इनका फॉर्म फिलअप कर लें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर वी मूव ऑन देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू पुट फॉरवर्ड दैट ऑल द स्पेसिफिक वीडियोज रिलेटेड टू एम बी ए बीट लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन लाइव पेपर एनालिसिस और वर्कशॉप्स तुम्हें सबसे पहले मैन्यूअर एम बी एंट्रेंस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर एम बी एंट्रेंस पर देख रहे हो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर एजुकेशन पर देख रहे हो दैन द लिंक फॉर मैन्यूअर एम बी एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर प्रिपेरेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर और द सब्सिक्वेंट ईयर्स वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द सेम। फॉर द लाइव क्लास एंड ऑनलाइन सेशन यू कैन कॉन्टैक्ट द नंबर 8828581455 या फिर 54। इफ यू आर इन मुंबई लुकिंग फॉर क्लासरूम कोचिंग यू कैन विजिट अवर सेंटर्स वसई, दादर, थाने, पोरिवली, अंधेरी, वी हैव 5 सेंटर्स इन मुंबई, और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। तुम कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन या जीके रिलेटेड कंटेंट मिस ना कर दो इसलिए तुम हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एज टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। रिगार्डलेस ऑफ द बैचेस यू हैव जॉइन विल बी प्रोवाइडेड विद द वीडियो लेक्चर्स फुल एंड देन सेक्शनल मॉक टेस्ट, बुक्स एंड ई बुक्स, मेंटरशिप स्ट्रैटेजीज एंड अ लॉट मोर थिंग्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट हेड टू आवर नंबर्स एंड बुक योर सीट्स राइट अवे नाउ। From a small beginning in 1993 with 6 faculty members teaching in a single class with only 24 students, imagine कर सकते हो आज से 30 साल पहले ये college start हुआ था और सिर्फ एक single classroom था with only 24 students और वो भी एक rented premise। आज Gym Gova has grown into 75 plus full time faculty members, 6 courses with an intake of over 900 full time students और एक 50 एकड़ का वूपिंग कैंपस भी है इनके पास विथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पिछले 30 सालों में इस कॉलेज ने इतनी तरक्की की है कि आज इनके पास 75 प्लस फुल टाइम फैकल्टी मेंबर्स हैं, 6 अलग अलग कोर्सेज हैं जिनमें 900 से ज़्यादा फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं और एक 50 एकड़ का वर्ल्ड क्लास कैंपस। काफ़ी अच्छी चीज़ है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और एक मेन रीज़न बन जाता है तुम्हारे पास कि तुम इस कॉलेज को डेफिनेटली टारगेट करो। दूर दूर से लोग आते हैं इस कॉलेज को टारगेट करने के लिए, और जो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं यहाँ से और प्लेसमेंट्स जो प्रोवाइड करते हैं यहाँ से काफ़ी टॉप नॉच देखने को मिलेगी तुम्हें, बिकॉज प्लेसमेंट्स भी उतने ही मैटर करते क्योंकि तुम 2 साल यहाँ पर बिताने वाले हो, तुम फीस यहाँ पर पे करने वाले हो, तो डेफिनेटली तुम एक ROI को कंसिडर ज़रूर करोगे। Gym Gova बिलीव्स इन ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज रिक्वायर्ड एम्प्लॉइंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड द लेटेस्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स, वी प्रिपेयर आर स्टूडेंट्स टू मेक इट बिग इन दी कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और ये सही बात है कि इनके काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आज कॉर्पोरेट लेवल में काफ़ी बड़े बड़े पोजिशन पर काम कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी काम कर रहे हैं। तो हो सकता है अगर आप एक फ्यूचर एस्पिरेंट हो इस कॉलेज के, तुम्हें भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्सपोजर देखने को मिलेगा। अगर प्रोग्राम की बात करें तो इनके पास 6 प्रोग्राम ये में बेसिकली तुम्हें ऑफर करेंगे। सबसे पहला जो होगा तुम्हारा PGDM, 2 साल का जो रेगुलर प्रोग्राम होगा तुम्हारा, प्रीटी मच इक्विवेलेंट टू MBA, कम मत समझना इसको। फिर होगा HCM, और HCM के अंदर सब कोर्स तुम्हें मिलेगा BIFS जो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के लिए होगा। PGDM के अंदर तुम्हें मिलेगा BDA और IDA, IDA के अंदर अगेन तुम्हारा PGDM BDA होगा प्लस MSc इन बिजनेस एनालिटिक्स होगा, NOVA SB होगा और पोर्चुगल होगा। तो काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, हर एक कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई ना कोई कोर्स अवेलेबल है। फ्लैगशिप जो कोर्स है उनका है वो है 2 साल का PGDM। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस प्रोग्राम के लिए जाते हैं, इस कॉलेज को टारगेट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड इंपॉर्टेंट डेट्स की, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज करके या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हो। अब इनके इंपॉर्टेंट डेट में भी काफ़ी सारी तुम्हें ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट मूवर वो होते हैं कि जो बहुत जल्दी फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। 31st of October 2023 यानी कि आज ही का दिन 31st of October, अगर तुम इस डेट पर फॉर्म फिलअप कर लेते हो तो तुम्हें एक प्रोग्राम के देने होंगे 1750 प्लस GST,
अगर तुम दो प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हो तो 2000 प्लस जीएसटी, तीन प्रोग्राम के लिए अगर जाना चाहते हो 2250 प्लस जीएसटी, और चार प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हो 2750 प्लस जीएसटी, तो ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट में दिखने को मिलेगा। अर्ली बर्ड, ये डेट हालांकि वैसे निकल गई है, बट अगर तुमने इस डेट के पहले या इस डेट पर भी फिल किया होता तो तुम्हें 2000 प्लस जीएसटी एक प्रोग्राम के लगते, दो प्रोग्राम के लिए 2250 प्लस जीएसटी, तीन प्रोग्राम के लिए 2500 प्लस जीएसटी, और चार प्रोग्राम के लिए 3000 प्लस जीएसटी। अचीवर राउंड डेडलाइन, अगर तुम 5 दिसंबर तक ये फॉर्म फिलअप कर लेते हो तो तुम्हें मिलते हैं एक प्रोग्राम के 2500 प्लस जीएसटी, दो प्रोग्राम के 3000 प्लस जीएसटी, तीन प्रोग्राम के 3500 प्लस जीएसटी, फोर प्रोग्राम्स के 4000 प्लस जीएसटी। अगर तुम कैट एग्ज़ाम के बाद इस फॉर्म को फिलअप करते हो विच इज़ 20th of December, तो एक प्रोग्राम के लिए तुम्हें भरने पड़ेंगे 2500 प्लस जीएसटी, दो प्रोग्राम के 3000 प्लस जीएसटी, तीन प्रोग्राम के 3500 प्लस जीएसटी, फोर प्रोग्राम 4000 प्लस जीएसटी, और लास्ट डेट वैसे हैं 2nd of January 2024। तो अगर तुम लास्ट डेट पर ही इसका फॉर्म फिलअप करने वाले हो तो तुम्हें एक प्रोग्राम के देने होंगे 2500 प्लस जीएसटी, दो प्रोग्राम के 3000 प्लस जीएसटी, तीन प्रोग्राम के 3500 प्लस जीएसटी, और चार प्रोग्राम के 4000 प्लस जीएसटी। तो इन दोनों के अंदर ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं, सिर्फ डेट का फ़र्क है, बाकी रेट्स तुम्हें एप्लीकेशन के सेम ही लगने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने हिसाब से डेट चुनकर इसका फॉर्म फिलअप कर दो। अब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर तुम PGDM और बाकी सब प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हो एक्सेप्ट IDA, IDA इसमें नहीं आएगा, IDA के लिए यहाँ पर एक अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दी हुई है। तो बाकी सब प्रोग्राम के लिए अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हारे होने चाहिए मिनिमम 50% एग्रीगेट इन बैचलर्स डिग्री, और तुमने मस्ट हैव अपियर्ड या फिर क्लियर्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग ZAT 2024। एप्लीकेंट्स अंडर अचीवर और एलीट राउंड में ऑल्सो अप्लाई यूजिंग ZAT 2023। अचीवर राउंड क्या होता है वो हम आगे भी देखने वाले हैं। CAT 2023 अगेन एप्लीकेंट्स अंडर अचीवर्स और एलीट राउंड में ऑल्सो अप्लाई यूजिंग CAT 2022। GMAT टेकन बिटवीन 1st of January 2022 to 15th January 2024। फॉर CMAT 2024, अगर तुम 2024 में CMAT लिखने वाले हो, वी विल अनाउंस द एक्सेप्टेंस एंड मॉडलिटीज आफ्टर NTA अनाउंसेस द डिटेल ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ये काफ़ी सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बाकी सारे प्रोग्राम्स के लिए। IDA के लिए अगर तुम जाना चाहते हो विच इज़ इंटरनेशनल डबल डिग्री इन एनालिटिक्स, तो सबसे पहले The IDA program mandates the candidate process a minimum of 30 months of full-time work experience with the preference for 36 months or more. तो इनका preference तो ये है कि तुम्हारे पास 36 months या फिर उससे ज़्यादा का work experience हो, but अगर तुम्हारे पास minimum 30 months का full-time work experience है तो तुम easily eligible हो. Candidates applying for the IDA program need to submit a statement of purpose SOP. Candidate must appear for at least one of the following English proficiency exams. The candidate submits the score by 29th of February 2024. तो तुम्हें क्या सबमिट हो करना होगा? TOEFL, IBT, मिनिमम स्कोर जो होना चाहिए 100, IELTS एकेडमिक मिनिमम स्कोर होना चाहिए 7.0 का, कैम्ब्रिज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम मिनिमम ग्रेड ऑफ सी, कैम्ब्रिज इंग्लिश एडवांस एग्ज़ाम मिनिमम ग्रेड ऑफ बी, कैम्ब्रिज इंग्लिश बिजनेस सर्टिफिकेट मिनिमम ग्रेड ऑफ बी। द कैंडिडेट्स विल हैव टू अपियर फॉर द जिम एनालिटिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट एंड द एज ऑफ द कैंडिडेट एज ऑन 1st of June 2024 शुड नॉट एक्सीड 26 ईयर्स। तो अगर तुम IDA के लिए जाना चाहते हो तो भाई तुम्हारे पास तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी सारी चीज़ें हैं फुलफिल करने के लिए, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना अगर तुम IDA के लिए जाना चाहते हो। तो एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले तो तुम्हें अप्लाई करना होगा ऑनलाइन, उसके बाद तुम्हारी शॉर्टलिस्टिंग होगी, उसके बाद मेन गेम चालू होता है कि अचीवर राउंड और रेगुलर राउंड। अचीवर राउंड क्या होता है ये हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। रेगुलर राउंड, अगर तुम रेगुलर राउंड में सिलेक्ट होते हो तो तुम्हारी एक मेरिट लिस्ट निकलेगी, अगर अचीवर में सिलेक्ट होते हो तो तुम्हें स्पॉट ऑफर मिलेगा, और दोनों ही के बाद तुम्हें मिलता है एडमिशन लेटर, उसके बाद तुम्हारे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं। तो अचीवर राउंड क्या होता है, सबसे पहले तो तुम्हारी शॉर्टलिस्टिंग होगी विदाउट कैट, जैट, जीमैट या फिर सीमैट के स्कोर के साथ। उसके बाद इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाएगी, सच एज़
तुम्हारा स्टेट या नेशनल लेवल पर कोई तुमने अवार्ड ले लिया है या कोई अचीवमेंट्स ली है तो वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तुम्हारा एकेडमिक्स या को करिकुलर एक्टिविटीज़, उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स है तुम्हारे पास, वो सारी चीज़ें यहाँ पर काउंट की जाएंगी। उसके बाद तुम्हारा क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस, अगर कोई तुम्हारे पास वर्क एक्सपीरियंस है या फिर कोई और अचीवमेंट्स है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कंसिडर करी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें होती है अचीवर राउंड्स में। इसमें तुम्हारे कैट, जैट, जीमैट या सीमैट उसके स्कोर आने से पहले ही तुम्हारा इंटरव्यू राउंड्स हो जाएगा। अब ये शॉर्ट लिस्टिंग कैसी होगी, ये सारा का सारा मैनेजमेंट की तरफ से होगा कि उन्हें तुम्हें अचीवर राउंड्स में रखना है या फिर रेगुलर राउंड्स में रखना है। फिर उसके बाद जो तुम्हारे अचीवर राउंड होंगे वो होंगे इन द स्टेट ऑफ गोवा, इन द सिटी ऑफ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड बेंगलुरु। ये पाँच बड़े शहर में तुम्हारे अचीवर राउंड्स होंगे। उसके बाद दो और चीज़ें होंगी, अगर तुम इस अचीवर राउंड में सिलेक्ट हो जाते हो तो तुम्हें वहीं के वहीं स्पॉट ऑफर मिल जाएगा, जिसके लिए तुम्हें हो सकता है 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी मिल जाए। अगर तुम दूसरे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में आते हो तो तुम्हें वो ऑफ़र मिल सकता है कहीं ना कहीं इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जब उनके फिर से ऑफर्स निकलेंगे। तो ये था अचीवर राउंड्स, जहाँ पर तुम्हारे स्कोर आए बिना ही तुम्हें इंटरव्यू राउंड्स के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। बट इसके अंदर एक कैच है कि तुम्हारे अचीवमेंट्स सारे देखे जाएंगे, स्टेट या फिर नेशनल लेवल पर तुमने अगर कुछ अचीव किया है वो देखा जाएगा, एकेडमिक या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में तुमने कुछ अचीवमेंट किया है वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी, तुम्हारा क्वालिफिकेशन, पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस, वर्क एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अगर तुम अचीवर राउंड्स में सिलेक्ट हो जाते हो तो तुम्हें स्पॉट ऑफर मिल सकता है, 5 लाख रुपए का स्कॉलरशिप उसमें मिल सकता है तुम्हें। अगर तुम शॉर्टलिस्ट नहीं होते हो उसके अंदर तो कहीं ना कहीं तुम्हें अप्रैल मंथ में एक और ऑफ़र मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर तुम अचीवर राउंड्स में आ जाते हो तो। अब अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला होगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव असेसमेंट बेस्ड ऑन योर जैट, कैट, जीमैट और सीमैट स्कोर, जिसको मिलते हैं 40% ऑफ वेटेज। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज ये होल्ड करता है। तुम्हारे पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स को मिलेंगे 15%, वर्क एक्सपीरियंस अगर तुम्हारे पास कोई है, कोई रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस, उसको मिलेंगे 10%, फेस टू फेस इवेल्यूएशन होगा तुम्हारा उसको मिलेंगे 30%, प्रोफाइल असेसमेंट इंडेक्स या डाइवर्सिटी उसको मिलेंगे 5%। और एक चीज़ तुम्हें ध्यान देने वाली है, फॉर सिलेक्शन फॉर द फेस टू फेस इवेल्यूएशन प्रोसेस द क्वालिफाइंग कट ऑफ स्कोर ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम मे बी लोअर्ड बाय अप टू 15 points फॉर कैंडिडेट्स ऑफ गोवन डोमिसाइल ओरिजिन, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ओरिजिन डोमिसाइल। तो अगर तुम गोवा के ही रहने वाले हो तो तुम्हें फेस इवेल्यूएशन के लिए यहाँ पर कट ऑफ भी लोअर करा जा सकता है अप टू 15 points। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर सीट मैट्रिक्स की बात करें तो अगर तुम PGDM के लिए जाना चाहते हो इसमें 300 सीट्स तुम्हें देखने को मिलेंगी, HCM के लिए 60 सीट्स, BDA के लिए 150 सीट्स, PIFS के लिए 60 और IDA के लिए 30 सीट्स। कंपटीशन PGDM में तुम्हें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्स के साथ तुम इसको टारगेट कर सकते हो। तो हाँ, तो ऑब्वियसली तुम्हें यहाँ पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए इसकी सीट इंटेक ज़्यादा है। और फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें PGDM, BIFS, BDA और HCM के लिए तो फीस होगी 18,31,200 फॉर 2 years। तो एक तरीके से काफ़ी नॉमिनल है क्योंकि अगर तुम इसके पैकेजेस की तरफ देखोगे तो ये फिगर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाइड लगेंगे। टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट, 18 lakhs यहाँ पर तुम 2 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे। कॉलेज काफ़ी बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी टॉप नॉच पर तुम्हें देखने को मिलेंगे, फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, तो प्लेसमेंट भी जाहिर सी बात है तुमको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। और अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो इनके जो हाईएस्ट प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं वो है 55 lakhs पर एनम PGDM के लिए। तो जस्ट इमेजिन कि तुम 18 से 20 लाख यहाँ पर 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो और 55 lakh या फिर उससे भी ज़्यादा तुम यहाँ से रिटर्न ले सकते हो। एवरेज 14.9 और मीडियन 14.7। वहीं अगर PGDM BDA की बात करें तो 40.2 का हाईएस्ट LPA, 17.2 का एवरेज और 15 का LPA। PGDM HCM के लिए 60.4 का इंटरनेशनल पैकेज, एवरेज 15 lakhs पर एनम, मीडियन 13 lakhs पर एनम का। BIFS सेक्टर के लिए हाई CTC 27 lakhs, एवरेज 14.61 और मीडियन 15 lakhs पर एनम। तो पैकेजेस है जो कि तुम्हें मोटिवेट कर सकता है इस कॉलेज में जाने के लिए। सो यस गाइज, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट इंक्वायरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तुम कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जिनको पता चल जाए कि क्या लास्ट डेट है, सो दैट उसके पहले पहले
वो इनका फॉर्म फिलअप कर लें। वंस अगेन इफ आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन मैन्यूअर एमबीए एंट्रेंस काइंडली कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर एजुकेशन पर देख रहे हो दैन द लिंक फॉर मैन्यूअर एमबीए एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। सो यस गाइस दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो, अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन।